बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है जी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे बेसिक रिस्क कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म जो बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए है। फाइनेंशियल रिस्क आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर होगा, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होगा। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन का ये है कि वो फाइनेंशियल रिस्क है जिसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, जिसको हम असेस कर सकते हैं, जिसके इंटेंसिटी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और ये तो हमें मालूम है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मीडियम हो या लार्ज स्केल हो, या चाहे वो सर्विसेज कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, इन सब तरह के बिजनेसेस में ये दो फीचर्स कॉमन होते हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा रिस्क। आप बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और जब आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये तो टर्म आपने सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट टेकिंग रिस्क पॉसिबल नहीं है। अब आप मॉडरेट सा रिस्क लेते हैं, या आप रिस्क अवर्सर हैं, या आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर हैं, तो ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये कि बारह रिस्क ज़रूर होगा जब भी आप बिजनेस करेंगे, और हम इस रिस्क को हमेशा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैनेज से मुराद ये है कि हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, वी कैन नेवर एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन हम इसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। सो देखते हैं इसको आगे, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। सो फाइनेंशियल रिस्क इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क, एनालाइजिंग देम एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन ईदर एक्सेप्टिंग और मिटिगेटिंग देम। सो बेसिकली जो बात मैंने आपसे पहले की कि हम इसको असेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि इस रिस्क के बदले में हमारे पास रिटर्न कितना आएगा, और फिर हम इसको यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ फिर इसको मिटिगेट करेंगे। There are several different types of risks the finance managers need to account for before proposing investment strategies. देखिए, all depends कि आप किस तरह का business कर रहे हैं और किस environment में business कर रहे हैं। अगर तो आप किसी ऐसी economy के अंदर business कर रहे हैं जो बहुत volatile है, जो बिल्कुल unexpected है, जहाँ पे policies बहुत rapidly change होती हैं, तो वहाँ पे definitely comparatively risk ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी में जो डेवलप्ड है वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस, और आपको सिर्फ अपना इंटरनल बिजनेस पॉलिसीज को मैनेज करना है, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा। अब ये जो आपका सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल रिस्क है वो आपके हाथ में नहीं है, उसको तो आप सिर्फ अवॉइड करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंटरनल रिस्क है somehow वो आपके हाथ में, तो उसको फिर आप जो है वो अगेन मिनिमाइज करने की या ऐसे फैक्टर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि जिनकी वजह से ये रिस्क बढ़ता है, जिनकी वजह से रिस्क ज़्यादा होता है, राइट? तो बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क भी है, जिसमें क्रेडिट रिस्क भी है, जिसमें बिहेवियर रिस्क भी है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम इन सबको, ऑपरेशनल रिस्क भी है, फाइनेंशियल लेवरेज रिस्क है, तो इन सबको हम वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि किस तरह से वर्क करते हैं और क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनको असेस करने की और इनको मिटिगेट करने की। सो ऑपरेशनल रिस्क, जैसे मैंने आपसे अभी ऑपरेटिंग रिस्क की बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क में, तो हम ऑपरेशनल रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। Operational risk is the risk of indirect or direct loss caused by failed or inadequate internal people, system, processes or external events. तो basically जब आप operational की बात करते हैं तो that's about your operations, business operations. और business operation आपके अपने हाथ में है कि आप उनको कितना efficient करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ that's about internal people. जब आप पीपल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैनेजर्स के, उनके मैनेजिंग डिसीजन कैसे हैं, और इसी तरीके से जो लोग वो हायर कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज क्या है,
फिर सिस्टम इज ऑल अबाउट द बिजनेस सिस्टम, अब ये भी मैनेजर्स ने डेवलप करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन पर डिपेंड करती है। तो वो इसको देखेंगे कि अगर वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली सिस्टम को रन कर रहे हैं और खुद वो इफेक्टिव लीडर्स हैं तो फिर तो ऑपरेशनल रिस्क कम होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑपरेशनल रिस्क ज़्यादा होगा। देन प्रोसेसेस एंड और एक्सटर्नल, देखिए प्रोसेसेस मीन्स कि आप जो सिस्टम डेवलप करते हैं वो कितना इफेक्टिव है और कितना एफिशिएंट है। एक चीज़ जो 3 स्टेप्स के अंदर हो सकती है आप उसको 5 स्टेप्स में करके काम को बढ़ा देते हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इससे और चीज़ें इफेक्ट होती हैं, तो ये इनएफिशिएंट चीज़ है, इससे रिस्क बढ़ता है बेसिकली, राइट। इट इंक्लूड्स अदर रिस्क टाइप्स ऑफ सच सिक्योरिटी रिस्क, लीगल रिस्क, फ्रॉड, एनवायरमेंटल रिस्क एंड फिजिकल रिस्क, ये डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। देन फॉरन एक्सचेंज रिस्क, फॉरन एक्सचेंज रिस्क बेसिकली जैसे आपने ये टर्म सुनी, बट डेफिनेटली जब आप ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बेसिक फाइनेंस का कोई ना कोई मॉड्यूल डेफिनेटली पहले स्टडी कर चुके हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से और फॉरेन एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी से, उनके अप्स एंड डाउन से आप डेफिनेटली वाकिफ हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ चेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट में कुछ चेंज आता है तो उसके बदले में या तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है या आप लॉस में चले जाते हैं। जैसे अभी आजकल में पाक रुपी जो है वो सिवियरली हीट हुआ है और एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, अब 172 पे 171 पे चला गया डॉलर। तो इसका मतलब है कि वो लोग के जिन्होंने डॉलर्स में पेमेंट्स करनी थी, तो पहले अगर उन्होंने 150 रुपया पे करना था $1 के बदले में, तो अब उन्हें $1 के बदले में 172 रुपये पे करना पड़ेंगे। इसका मतलब है बैठे बिठाए उन्हें ₹22 फी डॉलर ज्यादा पे करना पड़ा, और आप इमेजिन करें कि अगर उन्हें $100 पे करना था तो इसका मतलब है कि ₹2200 उन्हें ओवरऑल ज्यादा पे करना पड़े। तो ये रिस्क है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फॉरेक्स है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स कहते हैं उसको शॉर्टली, तो आप अगर वहां इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ का रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है ना, ऑल डिपेंड्स कि आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं। मैं अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा फॉरेन एक्सचेंज के साथ, मैं किसी फॉरेन करेंसी में डील ही नहीं करता, ना मैं इंपोर्ट करता हूँ ना मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इससे अफेक्ट नहीं होऊंगा, चाहे डॉलर 172 का हो जाएगा या 150 का हो जाए। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली मैं इसलिए अफेक्ट होऊंगा क्योंकि डॉलर का एक्सचेंज रेट पाक रुपी के साथ बढ़ने या कम होने से, फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज आने से, मेरी जो कॉस्ट है चीज़ों के बनाने की और मेरी जो प्राइस है वो अफेक्ट होगी। लाइक मैं आपसे कहता हूँ जैसे डॉलर 172 का हो गया इस वक्त, तो मार्केट में जो चीज़ों की पहले प्राइस थी वो प्राइसेस अब चेंज हो गई हैं। अभी पूरा एक मैकेनिज्म है, अगेन आई से कि चूंकि आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सब मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का और अकाउंटिंग का कोई बेसिक मॉड्यूल डेफिनेटली पहले ले चुके हैं, तो यू नो कि किस तरह से पेट्रोल प्राइसेस और एक्सचेंज रेट चेंज होने से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं, और स्पेशली पाकिस्तान ऑलमोस्ट हाइपर इन्फ्लेशन कल्चर के साथ जैसे आगे बढ़ा है तो यहाँ पे तो बहुत रैपिडली चीज़ों की प्राइसेस चेंज होती हैं। तो चीज़ों की प्राइसेस चेंज होने के साथ मैं जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ लोकल मार्केट से, उसका इनपुट लेता हूँ, रॉ मटेरियल लेता हूँ, उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। जब उसकी प्राइस बढ़ गई है तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, अब कॉस्ट बढ़ गई है तो मुझे भी अपनी प्राइस चीज़ की बढ़ानी पड़ेगी मार्केट में। जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो लोग कहेंगे ऑलरेडी इतनी महंगाई हो गई है, तो पहले जो लोग मेरी प्रोडक्ट 2 खरीदते थे वो शायद 1 खरीदें। तो ये एक पूरा मतलब एक आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ से अफेक्ट होते हैं, स्पेशली जो फॉरेक्स है इससे तो आप फॉर श्योर होते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क है। फॉरन एक्सचेंज रिस्क इज ऑल्सो नोन एज करेंसी रिस्क, डेफिनेटली करेंसी है तो आप उसको करेंसी रिस्क भी कह सकते हैं। इट इज इंकर्ड व्हेन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज मेड इन अ करेंसी अदर देन द ऑपरेटिंग करेंसी ऑफ अ बिजनेस। देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए जी
मैं जिस इकोनॉमी में बिजनेस करूंगा ना, मैं उस इकोनॉमी की करेंसी में डील करूंगा। लाइक मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं पाक रुपी में ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर अदर देन पाक रुपी में कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ या मुझे कहीं डील करना पड़ रहा है जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, तो फिर मैं फॉरेक्स में आऊँगा, फिर मुझे किसी दूसरी करेंसी में डील करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनली पाक रुपी को तो आप इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप कहेंगे मैं पाक रुपी में पेमेंट करूँगा। यू हैव टू पे इन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। तो जब आप यूएस डॉलर्स में पे करेंगे तो इसका मतलब है पहले आप मार्केट से परचेज करेंगे, उसके बाद आप पे करेंगे। तो ये रिस्क हमेशा वहाँ पर होगा, सो ये रिस्क हमेशा वहाँ पर होगा। ओके, सो प्रिसाइसली द रिस्क अराइजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल, ये फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और द करेंसी रिस्क। This risk arises as a result of unfavorable changes in the exchange rate between the transactional currency and operating currency. अच्छा, आपकी transactional currency से मुराद वो है जैसे US dollar, और operating currency से मुराद ये है जिस country में मैं अपने operations continue किए, मैं business कर रहा हूँ, पाक रुपी operating currency है, और जो US dollar है वो हमारे पास transactional currency।